दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महिलाओं को 1500 रुपये के लिए करना होगा और इंतजार, महिला सम्मान योजना के फॉर्म भरने पर रोक। जब प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पर रोक लग गई है, ऐसे में अब प्रदेश की पात्र महिलाएं योजना के लिए फॉर्म नहीं भर सकेंगी और न ही विभाग इसके फॉर्म लेगा। वह चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक आचार संहिता समाप्त नहीं होती तब तक इस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब प्रदेश की पात्र महिलाओं को इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। वही मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का ऐलान किया था। इसमें 5 लाख महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 1500 रुपये देने की घोषणा की थी और इसके लिए 800 करोड़ रुपए के प्रावधान की बात भी कही थी। इसके बाद योजना के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष पद से विक्रम चौधरी ने दिया इस्तीफा, जानिए क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका कारण उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से ओबीसी समुदाय के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान न होना बताया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को सौंपा है। बता दें कि विक्रम चौधरी ने कहा कि जुलाई 2022 में कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने उम्मीद की थी कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ओबीसी वर्ग की समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बने 1.25 साल से ऊपर होने के बाद भी ओबीसी स्टे कमीशन और ओबीसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के पद खाली है। वहीं बता दें कि ओबीसी कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में भी तवज्जो नहीं दी गई है। इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र की समय अवधि बढ़ाने, उच्च शिक्षा में 18% की रिजर्वेशन को लागू करने के अलावा सरकारी नौकरियों में विभिन्न पदों पर एक समान 18% की रिजर्वेशन देने की मांग भी लंबित पड़ी है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के लोग उनसे समस्याओं को हल करवाने के संबंधित मांगे उठा रहे थे। वे सरकार और संगठन के समक्ष कई बार समस्याओं को रखा परंतु कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंगना रनौत का लोकसभा चुनाव लड़ना तय, इस सीट से टिकट दे सकती है बीजेपी। जिन लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से हलचल तेज है। वह बीजेपी हिमाचल से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। उन्हें हिमाचल की मंडी सीट से टिकट दिया जा सकता है। वह कंगना भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है। उन्हें मंडी से टिकट की मजबूत दावेदार में गिना जा रहा है। वह बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 4 में से 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। वह 2 सीटें कांगड़ा और मंडी बची है। वह सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मंडी सीट से उम्मीदवारी के लिए जिन नामों पर विचार कर रही है उनमें कंगना रनौत का भी नाम शामिल है। ओपीएस रोकने के लिए हुई सरकार गिराने की कोशिश, सीएम सुक्कू का बीजेपी पर निशाना। जब देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश में आखिरी और 7वें चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। यहां 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। इस बीच पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वह प्रदेश में सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि बीजेपी काम रोको पार्टी बन चुकी है। वह राजस्थान में सरकार बनते ही ओपीएस रोक दी। हिमाचल में ओपीएस रोकने के लिए सरकार गिराने की कोशिश की। मैं अब माताओं बहनों को आर्थिक मदद रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मैं पैसा फेंको, सरकार गिराओ, काम रोको की संस्कृति हिमाचल में नहीं चलेगी। भाजपा में शामिल हो सकते हैं बागी कांग्रेस विधायक। भाजपा में हलचल तेज, रात को अहम बैठकें। जब विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया द्वारा आयोग घोषित किए गए 6 कांग्रेस विधायक अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फौरी राहत के तौर पर स्टे नहीं मिला है। वह अगली सुनवाई 6 मई को है और उतना इंतजार करने के मूड में ये विधायक भी अब नहीं है। वह इसलिए यह सहमति बन गई है कि जनता के दरबार में ही जाया जाए। वह उधर हिमाचल बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। वह सोमवार देर रात भी कुछ अहम बैठकें होने वाली है। मैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी दिल्ली से होने वाली इन बैठकों से ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है। वह अगले 2-3 दिन के भीतर भाजपा ज्वाइन करने का फैसला हो जाएगा। नहीं बड़ी एमफिल पीएचडी की इंक्रीमेंट, एचपीयू में अध्यापक कल्याण संघ ने उठाए कर्मचारियों के मुद्दे। जय प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्यापक कल्याण संघ की आम सभा बैठक हुई जिसमें करीब 120 अध्यापकों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश ठाकुर ने की। इस दौरान संघ के सदस्यों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों की लंबित मांगों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन करियर एडवांस स्कीम केस के तहत अध्यापकों की परमिशन के लिए भाई भतीजावाद का रवैया अपना रहा है, वह जो सही नहीं है। वह कर्मचारी इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। वह अध्यापकों को भी पूर्ण सेवाओं का लाभ देने पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। वह विश्वविद्यालय में सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया भी सही नहीं है।
मनाली में आधी रात भयंकर तबाही, 2.5 मंजिला मकान ध्वस्त, मलबे में दब गई 18 जाने। जे उपमंडल मनाली के जगत सुख में भूस्खलन होने से 2.5 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मैं आधी रात को हुए इस हादसे में एक गाय सहित 18 कुत्ते मलबे में दबने से मर गए हैं। मैं घर के अंदर रह रहे पति व पत्नी भाग्यशाली रहे, उन्होंने पड़ोसियों को फोन कर बुलाया। पड़ोसियों ने दोनों को घर से सुरक्षित बाहर निकाला। मैं नवदीप सिंह पुत्र सतगुरु सिंह निवासी गाँव व डाकघर हमीरपुर तहसील मनाली जिला कुल्लू ने बताया कि वह शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी पुत्री गायत्री ने जगत सुख के नागनी नाले में योगेश का 2.5 मंजिला मकान किराए में लिया है। मैं गायत्री यहां एनजीओ सहित जानवरों का रेस्क्यू सेंटर चलाती है। मैं नवदीप ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ बेटी के साथ जगत सुख में रहते हैं। उनके साथ एक गाय व 24 कुत्ते भी इसी मकान में रहते हैं। मैं रात को जब वे सोए हुए थे जोरदार धमाका हुआ, हमने लगा कि भूकंप आया है, लेकिन जब उठकर देखा तो पहाड़ी में हुए भूस्खलन का मलबा घर में आ गया है। मैं भूस्खलन से घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मैं भूस्खलन से एक गाय व 18 कुत्ते मलबे में दब गए हैं, जिससे उनकी मौत हो गई है। मैं घर का सारा सामान भी मलबे में दब गया है। मैं भूस्खलन से लगभग 70 लाख का नुकसान हुआ है। मैं भनारा गांव के इंद्रदेव के बगीचे में भूस्खलन का मलबा पहुंचते ही सेब के 20 पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं। मैं SDM मनाली रमन कुमार शर्मा ने बताया कि भूस्खलन से गाय व पालतू कुत्ते मलबे में दबे हैं। मैं रेवेन्यू विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है। मैं पुलिस की टीम भी मौके पर है, वह जल्द ही प्रभावितों को राहत राशि दी जाएगी। कांगड़ा पुलिस ने पंजाब बॉर्डर पर बढ़ाया पहरा, नाइट पेट्रोलिंग के लिए कुछ ऐसे हैं निर्देश। जो हिमाचल में लोकसभा चुनावों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। मैं जिला पुलिस ने देहरा क्षेत्र के तहत पंजाब बॉर्डर से सटे इलाकों पर 4 बड़े नाके लगाकर चेकिंग तेज कर दी है। इसके तहत हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। वह चुनावों के चलते मादक द्रव्य व अन्य गैरकानूनी चीजें ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह ASP वीर बहादुर सिंह ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि हर वाहन पर पुलिस की नजर है। वह पुलिस की टीमें हर क्षेत्र में तैनात है। वह बॉर्डर इलाकों की बात करें तो तलवाड़ा टेरेस पोंग डैम जसूर रोड पर सवा पुल पर लगे नाके में हर गाड़ी पर नजर है। मैं पुलिस टीमें मुस्तैदी से चेकिंग कार्य को कर रही है। मैं ASP वीर बहादुर सिंह ने बताया कि इसी तरह के नाके जंडोर अमरो व खानपुर में भी लगाए गए हैं। सभी इंटर स्टेट बैरियरों पर पड़ोसी क्षेत्रों पुलिस हर तरह के संपर्क में। मैं CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। एयरपोर्ट विस्तार से जनता के रहन सहन पर संकट, मामले में 23 अप्रैल को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर मंगलवार को सुनवाई। इस बीच अदालत में जनता के विस्थापन का मुद्दा भी उठा। इस मौके पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रजनीश मोना ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय जनता के साथ अन्याय नहीं होने देगा और जनता को उसका हक न्याय दिलाएगी। हिमाचल के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। विभाग के अनुसार 12 से 24 मार्च तक लगातार मैदानी व मध्य पर्वतीय कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं कई स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आज भी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। वहीं शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। वहीं 25 मार्च से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कम किया 30% सिलेबस, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के सिलेबस में 30% कटौती की है। वह बोर्ड ने जारी पुरानी पुस्तकों में सिलेबस हटाने को शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान बोर्ड ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम से जहां कई अध्यायों को पूरी तरह से हटा दिया है, वहीं कई ऐसे भी अध्याय हैं जिनमें से पृष्ठ संख्या को 9 पढ़ाने के निर्देश स्कूल प्रबंधकों को दिए गए। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नई पुस्तकें प्रिंट करवाई है। बता दें कि इन पुस्तकों में पुरानी पुस्तकों की अपेक्षा 30% सिलेबस कम है। मैं नई प्रिंट करवाई गई पुस्तकों को शिक्षा बोर्ड की ओर से सूबे के विभिन्न स्कूलों में भेजा जा रहा है। इन पुस्तकों में पहले प्रिंट की गई पुस्तकों की अपेक्षा 30% सिलेबस कम है। वह शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के कुछ स्कूलों में पुरानी किताबें भेजी है। इन भेजी गई पुरानी किताबों में किस विषय को हटाया जाना है, इस बारे में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। वह शिक्षा बोर्ड की जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम से कई विषयों को हटाया गया है। महंगाई की मार शिमला में रिफाइंड दालों और आटे महंगा, जाने नए दाम।
जब पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद महंगाई से राहत का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है। मैं शिमला में रिफाइंड और आटे समेत दालों की कीमतों में उछाल आया है। मैं अनाज मंडी के कारोबारियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से आ रही राशन की आपूर्ति महंगे दाम पर हो रही है। मेरी राजधानी में आटा अब 1 रुपये प्रति किलो तक महंगा हो गया है। बता दें कि अनाज मंडी में 35 किलो आटे का बैग 2 हफ्ते पहले 1060 रुपये रिटेल दामों पर मिल रहा था, अब इसके दाम 1100 रुपये पहुँच गए हैं। मैं राहत यह है कि सरसों तेल और चावल के दाम स्थिर हैं। वह पिछले महीने सस्ता हुआ रिफाइंड अब 120 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गया है। वह फरवरी में रिफाइंड 100 से 105 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। मैं कारोबारियों के अनुसार होलसेल में ही रिफाइंड अब 108 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। मैं रिटेल में यह 118 से 120 रुपये बेचा जा रहा है। मैं अनाज मंडी कारोबारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक श्रीधर का कहना है कि आटे के दाम 1 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गया है। 7 पैनारमिक विस्ताडोम कोच तैयार, जल्द पहुंचेंगे कालका। जब विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जल्द ही पैनारमिक विस्ताडोम कोच दौड़ते दिखाई देंगे। मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की ओर से आधुनिक कोच तैयार कर दिए हैं। मैं पहले चरण में 7 कोच RCF ने निर्मित किए हैं। मैं जल्द ही यह कोच कपूरथला से कालका रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। इसके लिए इन दिनों कवायद चली हुई है। मैं कालका में स्टेशन निर्माण से कोच ट्रेन भेजने में दिक्कत आ रही है, अब सड़क से कोच भेजने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया का सुरक्षा घेरा बढ़ाया, पायलट के साथ एस्कॉर्ट भी चलेगी। हिमाचल प्रदेश में हुए सियासी घटनाक्रम के बीच विधानसभा अध्यक्ष का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। मैं अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के साथ पायलट के अलावा एस्कॉर्ट भी साथ चलेगी। मैं एस्कॉर्ट के चारों जवान हथियारों से लैस रहेंगे। मैं सरकारी आवास में भी उनकी सुरक्षा का पहरा डबल किया गया है। मैं एक हेड कांस्टेबल के अलावा 4 कांस्टेबल 24 घंटे मौजूद रहेंगे। यही नहीं, जब भी विधानसभा अध्यक्ष जिलों का दौरा करेंगे, पुलिस अधीक्षक को ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। ओंकार चंद शर्मा संभालेंगे गृह एवं सतर्कता विभाग का अतिरिक्त कार्यभार। जब प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा को गृह एवं सतर्कता विभाग का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। इससे पहले अभिषेक जैन इसके सचिव पद का काम कर रहे थे, मैं जिनको चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया था। मैं ओंकार चंद शर्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं वित्त आयुक्त राजस्व हैं। उनके पास जनजातीय विकास तथा जल शक्ति विभाग का अतिरिक्त दायित्व भी है। मैं ओंकार चंद शर्मा को गृह एवं सतर्कता विभाग का जिम्मा चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद सौंपा गया है। इसके लिए कार्मिक विभाग की तरफ से एक पैनल भेजा गया था, मैं जिसमें ओंकार चंद शर्मा के अलावा देवेश कुमार व RD नजीम के नाम भी शामिल थे। कुल्लू की डोभी साइट पर 1 माह बाद पैराग्लाइडिंग की गतिविधियों बहाल। जिला कुल्लू की डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर 1 माह के बाद रेगुलेटरी कमेटी ने पैराग्लाइडिंग की गतिविधियों बहाल कर दी है, मैं जिससे पैराग्लाइडिंग से जुड़े कारोबारियों और कई युवाओं को बड़ी राहत मिली है। मैं रेगुलेटरी कमेटी द्वारा पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों को नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने नियमों का पालन करने के लिए अपने स्तर पर मार्शल तैनात किए गए। मैं इससे आने वाले समय में देश भर के पर्यटकों को सुरक्षित पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी। 10 मई को होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वे पात्र विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वे तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 10 मई को होगी। वे तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा BTech, बी फार्मेसी, MCA, MBA व MBA पर्यटन में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। वे BTech, बी फार्मेसी और MCA की प्रवेश परीक्षा सुबह के सत्र में होगी, जबकि MBA पर्यटन की परीक्षा शाम के सत्र में आयोजित की जाएगी। इंदौरा व मंड क्षेत्र में पुलिस की शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों मिलीलीटर अवैध शराब की नष्ट। जे कंगड़ा जिला के तहत आते इंदौरा तथा मंड क्षेत्र में पुलिस ने शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से तैयार की जा रही करोड़ों मिलीलीटर शराब को नष्ट करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह पुलिस के अवैध शराब के विरुद्ध यह पिछले लगभग 6 माह में अब तक की बड़ी कार्रवाई है। चुनाव में चुनौती, कहीं 3 दिन तक पैदल सफर, कहीं 13 किलोमीटर दुर्गम रास्तों पर चलकर पहुंचेंगी पोलिंग पार्टी। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। वे पहाड़ की विषम परिस्थितियों के बीच चुनाव आयोग के लिए यहां चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाना किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाला है। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां भी शुरू कर दी है।
हाईकोर्ट ने की सरकार के नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नियत पर तीखी टिप्पणी। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नियत पर तीखी टिप्पणी करते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को केवल यह बताया है कि सभी जिला अस्पतालों, नागरिक चिकित्सालयों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नशा मुक्ति सुविधाएं शुरू कर दी गई है। इसे कोर्ट ने इसे नाकाफी बताते हुए कहा कि सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि इस मुद्दे से निपटने में सरकार कतई गंभीर नहीं है। इससे पहले सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोलने में बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता बताई थी। समुद्र में डूबा मर्चेंट नेवी में कार्यरत इंजीनियर घर में पसरा मातम। जिला कांगड़ा के उपमंडल जवाली में चलवाड़ा निवासी पंकज जम्बाल की समुद्र में डूबने से मौत हो गई है। वह पंकज मर्चेंट नेवी में थर्ड इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और जाको से सूरत जाने वाली अंबुजा सीमेंट के जहाज पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार 13 मार्च को अंबुजा सीमेंट जहाज के अधिकारियों द्वारा पंकज जम्बाल पुत्र कर्नल सिंह के लापता होने की सूचना परिजनों को मिली और एक दिन बाद उसका शव कोस्ट गार्ड, अन्य जहाजों और हेलीकॉप्टर की मदद से पोरबंदर के पास समुद्र से बरामद किया गया। वही पंकज के शव को मुंबई से घर भेजना था, परंतु तकनीकी कारणों की वजह से अंतिम संस्कार परिजनों की उपस्थिति में 18 मार्च को मुंबई में ही करा दिया गया। वही बता दें कि कल सोखाकुल परिवार अस्थियां लेकर घर पहुंचा और विभिन्न जांच एजेंसियां मृत्यु के कारणों का पता लगा रही है, परंतु अभी तक पता नहीं चल सका है। वही पंकज का मौत की खबर से घर में मातम पसरा हुआ है और इलाके में भी शोक की लहर है। देवर की करतूत, विधवा भाभी को भेजे अश्लील वीडियो, महिला ने की शिकायत। हिमाचल की राजधानी शिमला में एक देवर द्वारा अपनी विधवा भाभी को अश्लील वीडियो भेजने का मामला सामने आया है। वह व्यक्ति की इस करतूत ने देवर भाभी के रिश्ते को शर्मसार किया है। वह महिला ने इसकी शिकायत शिमला के महिला थाना BCS में दी है। वह पुलिस ने सोमवार शाम को ही मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। वह पुलिस के मुताबिक महिला शिमला के सोगी की रहने वाली है, जबकि उसका देवर दिनेश भागटा रोहड़ू में रहता है। महिला ने आरोप लगाया है कि दिनेश भागटा ने फेसबुक पर उसे अश्लील वीडियो भेजे हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। वह फिलहाल अभी तक आरोपी देवर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वह पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस जल्द ही शिकायतकर्ता महिला का फोन कब्जे में लेकर जांच करेगी। इसके आधार पर ही सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। वह पुलिस ने IPC की धारा 509 व धारा 61 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। टीचर बनने का था सपना, किस्मत ने बना दिया HRTC बस की कंडक्टर। हिमाचल की BEd पास गीता की अजब कहानी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने हाल ही में कंडक्टर भर्ती का रिजल्ट घोषित किया है। इसमें मंडी जिले के सुंदरनगर की मलो पंचायत के भद्रोलू गांव निवासी गीता का चयन हो गया। वह गीता का सपना टीचर बनना था, लेकिन अब हिमाचल पथ परिवहन निगम में उसकी कंडक्टर की नौकरी लग गई है। वह अब बसों में टिकट काटती हुई नजर आएंगी। वह गीता BSc और BEd पास कर चुकी है, साथ ही TET व CTET क्वालिफाई है। वह CTET का मतलब है सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए योग्यता परीक्षा। इसे पास करने वालों को ही सरकारी स्कूलों में भर्ती के लिए पात्र समझा जाता है, लेकिन गीता की किस्मत में शायद कुछ और लिखा था। हाथ वालों को मिलेगा भाजपा का साथ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने का प्लान, चुनावी रण में कूदेंगे सियासी पहलवान। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों यानी कि स्पीकर के फैसले के बाद विधानसभा सदस्यता से बर्खास्तों को अब भाजपा का साथ मिलेगा। वही भाजपा ने सभी 6 नेताओं को पार्टी में सम्मान के साथ समायोजित करने का विचार बनाया है। वही नेता प्रतिपक्ष और पूर्व CM जयराम ठाकुर ने भी इसके स्पष्ट संकेत दिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बर्खास्त विधायकों को फौरी राहत नहीं मिली है और मामले की तारीख भी लंबी है, मैं लिहाजा अब ये पक्की बात है कि 6 नेता अपनी याचिका वापस लेंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो हो जाइए सावधान, साइबर ठगों ने 2 लोगों से की 61,72,000 की ठगी। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेडिंग और शॉपिंग करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वह कुछ ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से सामने आया है। यह साइबर ठगों ने 2 लोगों से 61,72,000 रुपये की ठगी को अंजाम दिया है। वह शिकायतकर्ताओं को फेक वेबसाइट और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपये की चपत लगाई है। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई है। इन दोनों ही मामले में शिकायतकर्ताओं ने करीब 30 ट्रांजेक्शन के माध्यम से छात्रों के अलग अलग खातों में राशि जमा कराई है। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के सपनों को मिलेंगे पंख, जर्मनी में प्लेसमेंट का मौका। जे माता पद्मावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ने वाली छात्राओं को अब जर्मनी में भी प्लेसमेंट हासिल करने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसके लिए नर्सिंग कॉलेज ने भारत व UK में स्थित मैजिक बिलियन कंपनी के साथ MU साइन किया है। वह कंपनी ने देश की केवल 2 संस्थानों के साथ हाथ मिलाया है। इसमें पहला पटियाला स्थित एक नर्सिंग कॉलेज है, वह दूसरा हिमाचल का एकमात्र संस्थान माता पद्मावती नर्सिंग कॉलेज है। बता दें कि सोमवार को माता पद्मावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संयुक्त
संयुक्त प्रावधान से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह कार्यक्रम में रिटायर्ड मेजर जनरल अतुल कोशिश ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मैजिक बिलियन कंपनी के संस्थापक बसप बनर्जी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वह मैजिक बिलियन के संस्थापक बसप बनर्जी और माता पद्मावती नर्सिंग कॉलेज के संस्थापक सचिन जैन ने क्षेत्र की नर्सों के उत्थान के लिए कंपनी के साथ एमयू साइन किया। 10 वर्ष पहले बनाए आधार कार्ड का अपडेशन जरूरी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर LR वर्मा ने जिला के शिक्षा चिकित्सा तथा बैंकों को निर्देश दिए हैं कि ये सभी संस्थान अपने विभागों द्वारा चलाई जा रही आधार मशीनों का 100% कार्य करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने अन्य विभागों को भी आधार सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए हैं। वह LR वर्मा ने जिला के निवासियों से अपने अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो लोग 10 साल पहले आधार कार्ड बनवा चुके हैं तथा एक बार भी इसे अपडेट नहीं करवाया है, उन्हें अपने दस्तावेज आधार में अपडेट करवाना होंगे ताकि आधार सत्यापन में उन्हें कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आधार अपडेशन की सुविधा आधार केंद्रों पर प्राप्त की जा सकती है या स्वयं भी अपलोड की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर व ईमेल को अपडेट करवाना अति आवश्यक है। बांझपन का आयुर्वेद से होगा प्रमाणित इलाज, 6 मामलों पर स्टडी जारी। जो आयुर्वेद से अब बांझपन का प्रमाणित इलाज हो पाएगा, इसके लिए क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पंडो ने मेडिकल कॉलेज नेचो के साथ मिलकर शोध कार्य शुरू कर दिया है। वह संस्थान ने 6 मामलों पर स्टडी भी शुरू कर दी है। वह बता दें कि आयुर्वेद से भी बांझपन का इलाज होता है, लेकिन इसको लेकर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण को सिद्ध करने के लिए यह शोध किया जा रहा है। क्या आपका बच्चा भी खा रहा कॉटन कैंडी? अगर हाँ तो यह खबर जानकर पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। हिमाचल प्रदेश में बैन हो चुकी है कॉटन कैंडी का सैंपल, हमीरपुर में भी फेल हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपमंडल नादौन के तहत बाजार से कॉटन कैंडी के सैंपल भरे थे। वह कॉटन कैंडी के सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता चला है कि यह सैंपल फेल हो गए हैं। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने कॉटन कैंडी बनाने वाले पर नजर बनाई हुई है। वह दुकानदारों को भी बता दिया गया है कि कॉटन कैंडी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुका है। फर्जी कस्टमर केयर नंबर से भी ठगी का खतरा, शिमला साइबर सेल ने किया अलर्ट। जो ऑनलाइन वेबसाइट पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर से साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। अगर आप बैंकों में खाता धारक हैं और अपनी बैंक शाखा का कस्टमर केयर नंबर गूगल से खोजते हैं तो ऐसा ना करें। मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आज जो नंबर निकाल रहे हैं वह आपकी परेशानी और बढ़ा सकता है। मैं अभी हाल ही में बैंकों की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करने पर जो नंबर आते हैं उनमें अधिकतर नंबर फर्जी होते हैं। अगर आप इन फर्जी नंबरों पर कॉल करते हैं तो आपके जरिए दी गई जानकारी से आप धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। मैं साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले ठगों ने देश के बड़े बैंकों के फर्जी कस्टमर केयर नंबर इंटरनेट पर अपलोड कर रखे। मैं जब कोई कस्टमर इन नंबर्स पर कॉल करता है तो साइबर ठग बैंक अधिकारी बनकर आपसे सारी डिटेल्स ले लेते हैं और फिर कुछ ही समय में आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। मैं साइबर ठगों से बचने को लेकर साइबर सेल शिमला ने भी एडवाइजरी जारी की है। मैं DIG साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि अगर आपको बैंक से किसी भी तरह का काम है तो आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां दिए नंबरों पर ही संपर्क करें। इसके अलावा बैंक के दस्तावेजों पर भी ये नंबर से मौजूद होते हैं। मैं कभी आपको थोड़ा भी संदेह हो तो फौरन ही केंद्र सरकार के स्पेशल साइबर अपराध रोधी शिकायत नंबर 155260 पर कॉल करें और पूरी जानकारी दें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें।